महज एक दिन बचा है, यानी कि कल बकरी ईद है, और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अभी भी गुजरात बॉर्डर के ऊपर कई सौ ट्रक्स रुके हुए हैं जो जानवरों को लेकर मुंबई की तरफ आ रहे थे या महाराष्ट्र की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। कई सारे बॉर्डर्स के ऊपर से इस तरह की लगातार खबरें आ रही है कि इतने सारे ट्रक्स जो जानवरों को लेकर, खासतौर से बकरों को लेकर जब महाराष्ट्र की तरफ आ रहे, तो उन्हें बॉर्डर के ऊपर रोक दिया जा रहा है। पाँच पाँच दिन से ये ट्रक वाले वहीं पर खड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये जानवर कितने, जिनके पास चारा नहीं पहुंच सक रहा है, कितने जानवर गाड़ियों के अंदर ही ख़त्म हो गए हैं। अफसोस इस बात का हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसकी है, तो शिवसेना की है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर कांग्रेस है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एनसीपी है, और ये सब अपने आप को कहते हैं कि हम, खासतौर से कांग्रेस और एनसीपी का तो हमेशा से यही रहा है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं, हम सेक्युलर है। तो क्या वजह है कि आज जब सरकार ने ये फैसला लिया बंद दरवाजे के अंदर, और वो मियां मिट्ठू वहाँ पर जाके बैठे हुए थे, मुसलमान एमएलएज जो थे या मुसलमान मिनिस्टर्स जो थे, जिन्हें मैं मियां मिट्ठू कहता हूँ, कि सरकार ने कहा कि उठो तो उठ गए, बैठो तो वो बैठ गए, और जब सरकार ने ये फरमान जारी किया कि प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा करके, तो पूरे के पूरे गूंगे मुख के बहरे हो गए थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई तो मैंने उठाया था ये आवाज़ कि आप बताइए हमें कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके, ये कैसा कर सकते हैं। मैं तमाम उलमाओं के साथ बैठा, उनसे समझ के लिया, वो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, और जिस किसी ने भी निकाला है, यानी कि वो तमाम लोग जो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, उनके मुंह में शायद वो लड्डू लेकर बैठे थे कि उनकी जबान ही नहीं खुली है कि साहब ये मजहब के अंदर ये अलाउ ही नहीं है कि इस तरह से प्रतीकात्मक। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि आप इस बार बाजारे मत भराओ बल्कि ऑनलाइन आप खरीदी करो। हमने उसकी भी तायीद की, हमने कहा कि जिन जिन लोगों के पास ये सहूलत है, जिनके पास स्मार्टफोन्स है, हर कोई इंसान वहाँ के सरकार में बैठा हुआ मंत्री के जैसा धन्ना सेठ तो नहीं है, या वहाँ के एमएलएस की तरह धन्ना सेठ तो नहीं है कि हर एक के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन बकरों की बुकिंग करेगा। इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हमने लोगों तक एक पैगाम पहुँचाया कि बाजारों के अंदर ना जाते हुए कि अगर ऑनलाइन के जरिए आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। इसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बकरों की खरीदारी की, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब वो इंतजार में है कि हमने जिस जानवर के लिए हमारा पैसा हमने लगा दिए है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और जिस व्यापारी को दिए है, वो व्यापारी आज है तो